शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कक्षा 10 विषय वाणिज्य के अंतर्गत आय व्यय एवं बचत के दूसरा टॉपिक है उत्पादन के साधन। इसके अंतर्गत हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आय का अर्थ। तो आय से क्या आशय होता है, आय से क्या आशय होता है, किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में किए गए आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। अर्थात जितनी भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जितनी भी धन कमाने के उद्देश्य से जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं उन सबको हम आय कहते हैं। याद रखें कि जो आर्थिक क्रियाएं होनी चाहिए वो समस्त आर्थिक क्रियाएं वैधानिक होनी चाहिए, अर्थात कानून की दृष्टि से सही होनी चाहिए। वह असामाजिक रूप से कमाया गया धन नहीं होना चाहिए। यदि आपने कोई आय असामाजिक रूप से या असामाजिक आर्थिक क्रिया करकर आय की है तो उसे आय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे अवैधानिक अर्थात असामाजिक तत्व कौन से होते हैं? अवैधानिक तत्व यानी कि असामाजिक तत्व जैसे चोरी करना, डाका डालना, लूट करना, इस तरह की आर्थिक क्रियाओं को हम आय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते। उदाहरण के माध्यम से, जैसे एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अखबारों का विक्रय करता है और 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वो चाय बेचता है, तो इस प्रकार से उसे जो आय प्राप्त होगी, इन दोनों आर्थिक क्रियाओं से जो उसे आय प्राप्त होगी उसे हम आय कहेंगे, उसे हम आय कहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सूत्र की। इसमें सूत्र क्या होता है? तो आप याद रखेंगे कि आय का जो सूत्र होता है, आय बराबर होती है, आपको याद रखना है कि जितने भी हम व्यय करते हैं उनमें जितने भी हम बचत करते हैं, जितने भी हम बचत करते हैं या जितना हम अपसंचय करते हैं उन सबके योग को आय कहते हैं। आय से तात्पर्य आय क्या होती है? किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय के अंतराल में जो भी आर्थिक क्रिया के माध्यम से आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसे हम आय कहते हैं। इसका सूत्र व्यय यानी कि जो भी हम खर्च करते हैं, जो भी हम खर्च करते हैं या बचत करते हैं या अपसंचय करते हैं, इन सबके योग को हम आय कहते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा टॉपिक आता है व्यय का अर्थ। व्यय क्या होता है? तो व्यय से आशय, व्यय आय का ही एक भाग होता है। जिस प्रकार से हमने सूत्र में देखा था कि व्यय आय का ही एक भाग होता है जिसे मनुष्य अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खर्च करता है, उपयोग में लाता है। उदाहरण के माध्यम से, यदि कोई व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए है और वह 5,000 रुपए कपड़ों पर खर्च कर देता है और 6,000 रुपए किसी बैंक में जमा कर देता है, तो यदि हम उसके कुल खर्च की बात करें तो उसका खर्च 5,000 प्लस 6,000 टोटल 11,000 बैठेगा। लेकिन अगर हम उसकी व्यय की बात करें तो उसने केवल 5,000 रुपए कपड़ों पर व्यय किया है, तो जो उसने कपड़ों पर व्यय किया है वह व्यय, जो खर्च उसने कपड़ों पर किया है वह हमारा व्यय कहलाएगा। जो उसने 6,000 रुपया बैंक में जमा किया है
वह वैर नहीं कहलाएगा क्योंकि वह उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। जो बैंक में धन हमने जमा किया है वह हमारा भविष्य की आवश्यकता को पूर्ति करेगा, इसलिए उसे वैर की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सूत्र के माध्यम से इसका सूत्र होता है वह बराबर, इसका सूत्र होता है वह बराबर आय में से यदि आप अपनी बचत और अपसंचय को योग कर घटा देंगे तो आपका व्यय निकल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यय के प्रकार। व्यय कितने प्रकार के होते हैं? व्यय के प्रकार व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत या निजी व्यय, दूसरा सामाजिक व्यय। व्यक्तिगत या निजी व्यय क्या होते हैं? जिन व्ययों को मनुष्य अपने परिवार और अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करता है, ऐसे व्ययों को व्यक्तिगत या निजी व्यय कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी रसोई पर व्यय करना या अपने पुत्र पुत्री की शिक्षा पर व्यय करना, वह उसका व्यक्तिगत या निजी व्यय कहलाएगा। दूसरा सामाजिक व्यय। सामाजिक व्यय हमारे कौन से होते हैं? मनुष्य समाज का प्राणी है, मनुष्य समाज का प्राणी है, तो उसे समाज में रहने के लिए कई प्रकार से व्यय करने पड़ते हैं। तो सामाजिक व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऐच्छिक सामाजिक व्यय और दूसरा होता है अनिवार्य सामाजिक व्यय। ऐच्छिक सामाजिक व्यय क्या होते हैं? ऐच्छिक सामाजिक व्यय वह व्यय होते हैं जिन व्ययों के लिए मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई वैधानिक दबाव नहीं होता, कोई वैधानिक दबाव नहीं होता। जैसे विद्यालय में मनुष्य द्वारा दिया गया दान या अनाथालय में मनुष्य द्वारा दिया गया दान, इस तरह से वो ऐच्छिक व्यय होते हैं, वो किसी के दबाव में आकर इस प्रकार के दान नहीं करता, व्यय नहीं करता। दूसरा होता है हमारा अनिवार्य सामाजिक व्यय। अनिवार्य सामाजिक व्यय कैसे होता है? जिस पर मनुष्य पर यदि कानून का दबाव होता है अर्थात वैधानिक दबाव होता है, उसे हम सामाजिक अनिवार्य सामाजिक व्यय कहते हैं। जैसे राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए मनुष्य पर कर हमारे सामाजिक व्यय कहलाते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा टॉपिक आता है व्यय के महत्व। क्या इंपॉर्टेंस है एक मनुष्य व्यय क्यों करे, क्यों खर्च करे वो? तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्यय करने से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। मनुष्य, अभी आपने पढ़ा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जैसे वह व्यय करेगा तो उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसका जीवन में जो सुविधाएं प्राप्त की जाती है वो व्यय के माध्यम से की जाती है। दूसरा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अगर मनुष्य व्यय करता है तो उससे समाज में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। तीसरा आय में वृद्धि। तीसरा क्या है? आय में वृद्धि। यदि मनुष्य व्यय करता है तो समाज में विभिन्न प्रकार के वर्गों को रोजगार मिलता है, और जब उन्हें रोजगार मिलता है तो उनकी आय में वृद्धि होती है। चौथा हमारा इसमें पॉइंट आता है आर्थिक विकास में सहायक। देश के आर्थिक विकास में सहायक व्यय करने के माध्यम से देश में आर्थिक विकास होता है। जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार के व्यय करता है तो उससे देश को आर्थिक विकास करने में सहायता प्राप्त होती है। इसी के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक आता है बचत का। बचत क्या होती है?
बचत से आशय यह भी एक आय का ही भाग होता है जो मनुष्य अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रखता है। यह बचत मनुष्य दो प्रकार से बचा सकता है, एक अनुत्पादक बचत के माध्यम से और दूसरी उत्पादक बचत के माध्यम से। अब अनुत्पादक और उत्पादक बचत कैसे बचाएगा, क्योंकि जो बचत होगी वो हम या तो अपने घर पर किस प्रकार से रखेंगे, अलमीरा में, अलमारी में बंद करके रखेंगे, या बैंक में, डाकघर में, या किसी सरकारी या सार्वजनिक कंपनी के विनियोगों, ऋण पत्रों आदि को खरीद कर बचत बनाएंगे। ठीक हो गया, यहां से हमारा ये क्लियर होता है। उसके बाद उधार, इसका क्या उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए है और वह 5,000 रुपए अपने कपड़ों पर व्यय कर देता है और साथ ही 7,000 रुपए वह अपने बैंक में जमा कर देता है, तो यहां पर बैंक में जमा करने वाली व्यय हमारी, जो हमारा बैंक में कर जमा करने वाला खर्च होगा, वह हमारा बचत कहलाएगा। जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वह व्यय नहीं होगा तो वह क्या होगा, वह बचत, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद सूत्र के माध्यम से इसकी जानकारी लेंगे। सूत्र क्या है इसका, बचत बराबर होती है आय में से व्यय और अपसंचय घटाकर हमें बचत प्राप्त हो जाती है। इसे या बात करते हैं दोबारा से, बचत के प्रकार। अभी आपको बताया था कि बचत के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अनुत्पादक बचत और उत्पादक बचत। अनुत्पादक बचत कैसी है, अनुत्पादक बचत वह बचत होती है जिसमें मनुष्य की बचत को बढ़ावा अर्थात वृद्धि नहीं होती। जैसे इसी भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे कोई व्यक्ति 100 रुपए बचाता है और उसे एक वर्ष के लिए अलमारी में बंद कर रख देता है, तो ऐसी आय एक वर्ष के पश्चात भी 100 रुपए ही रहेगी। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार की आय अर्थात बचत हमारी अनुत्पादक बचत कहलाती है, अर्थात किसी प्रकार का कोई उसने उत्पादन नहीं किया। अब उत्पादक बचत क्या होती है, उत्पादक बचत वह बचत होती है कि कुछ समय के पश्चात जिस बचत में वृद्धि हो जाए उस बचत को हम उत्पादक बचत कहते हैं। जैसे यदि कोई मनुष्य उस 100 रुपए को अलमारी में रखने की बजाय उसको बैंक में जमा करा देता, तो एक वर्ष के पश्चात व्यक्ति को 100 रुपए से 4 रुपए बढ़कर 104 रुपए प्राप्त होते, अर्थात उसकी बचत में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से उत्पादक बचत और अनुउत्पादक बचत को याद रखें। अगला हमारा टॉपिक आता है बचत के महत्व। बचत क्यों करें, एक मनुष्य के लिए बचत की क्या आवश्यकता होती है, तो आप याद रखेंगे बचत के जो महत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से पहला है अचानक आने वाली समस्या को निवारण है। मनुष्य के जीवन में अचानक से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, जैसे मनुष्य के परिवार में कोई बीमारी आ जाना, तो उसको पूर्ति करने के लिए हमें बचत करनी अनिवार्य होती है। दूसरा परिवार के उत्तरदायित्व हेतु, जिस प्रकार से मनुष्य अपने परिवार के उत्तरदायित्वों के लिए जिम्मेदार होता है उसी प्रकार से उसे
बचत करना भी जरूरी होता है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे व्यय इस प्रकार के होते हैं कि वह मनुष्य के द्वारा करने के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे पुत्र पुत्री की शिक्षा का वहन, पुत्र या पुत्री की शादी के लिए व्यय करना। तीसरा, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु, यानी समाज, मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति है और उसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए व्यय करना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से उसे अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बचत करना भी अनिवार्य होता है। चौथा, वृद्धावस्था में उपयोग। मनुष्य को सबसे अधिक धन की आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है, क्योंकि उस समय उसके आय के साधन समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को वृद्धावस्था के लिए अपनी आय जो वह करता है तो उसमें से बचत अनिवार्य करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, व्यक्ति की आय में वृद्धि करने के लिए। जिस प्रकार से मनुष्य कार्य करता है तो वह आय कमाने के लिए उद्देश्य से करता है, तो व्यक्ति चाहे तो बचत के माध्यम से वह अपनी आय में वृद्धि भी कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से डाकघर में एफडी करा, यानी कि स्थायी जमा करे, तो 10 वर्ष 4 माह तक वह जमा करता रहेगा। 10 वर्ष 4 माह के पश्चात डाकघर उसको 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से ब्याज देता रहेगा। अब यह उसकी लाइफ टाइम यानी कि पूरे जीवन के लिए आय का साधन बन गया। अगला पॉइंट आता है हमारा, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण के लिए। अनावश्यक व्यय जो आद्यक्ति फिजूल खर्ची करता है उन पर रोक लगाने के लिए हमें बचत करना जरूरी होता है। अब जैसा कि बताया गया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक दृष्टिकोण के माध्यम से बचत के महत्व। पहला, जीवन स्तर उच्च करने के लिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, यदि वह बचत करता है तो उसका जीवन स्तर भी उच्च श्रेणी का हो जाएगा। दूसरा, पूंजी निर्माण में सहायता। जिस प्रकार से हमने व्यक्तिगत दृष्टिकोण में देखा था कि आय में वृद्धि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य यदि बचत करता है तो उसकी पूंजी में भी वृद्धि होती है। निर्माण से तात्पर्य यहां पर वृद्धि से है। देश का आर्थिक विकास करने हेतु, देश का आर्थिक विकास, यदि मनुष्य अपनी बचत को बैंकों में, डाकघर में जमा करता है, तो ऐसे जमाओं से देश अपनी आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं उन्हें पूर्ण कर सकता है, और उन्हें पूर्ण करने के माध्यम से देश का आर्थिक विकास होता है। चौथे, देश को सुदृढ़ बनाने के सहायक। यदि सभी व्यक्ति अपनी बचत को बैंकों में, डाकघर में जमा करेंगे, तो याद रखिए कि जितना पैसा हमारे देश के बैंकों में और डाकघरों में जमा होगा, उतना ही बैंक, उतना ही देश हमारा सुदृढ़ बनेगा। बैंकिंग बीमा क्षेत्र में विकास हेतु, बैंक में जमा राशि बढ़ जाने के कारण देश का आर्थिक विकास होता है, साथ ही साथ बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में भी विकास होता है। अगला हमारा इसमें टॉपिक आता है, उत्पादन अर्थात उत्पत्ति के साधन या उपादान। ये क्या होता है, इसमें आप सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका, उत्पादन से क्या आशय है। उत्पादन यानी कि किसी वस्तु का निर्माण करना। जिस प्रकार से आपने विज्ञान में सीखा है कि मनुष्य किसी भी वस्तु का ना तो निर्माण कर सकता है और ना ही उत्पादन कर सकता है, उसी प्रकार से केवल किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता सृजन करना
यानी कि उसके आकार में, उसके रूप में केवल परिवर्तन कर उसकी विनिमय शक्ति को बढ़ा देना उत्पादन कहलाता है। यानी किसी भी प्रकार से यदि किसी वस्तु का विनिमय शक्ति बढ़ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे एक पेड़ के द्वारा, लकड़ी प्राप्त कर उससे फर्नीचर बनाना, उससे कागज बनाना, तो पेड़ का मूल्य बढ़ जाएगा, तो वहां पर वह उत्पादन का कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं उत्पादन के प्रकार। उत्पादन कितने प्रकार का होता है? तो उत्पादन आपके 6 प्रकार का होता है। पहला, रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। यदि किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन कर दिया जाए तो वहां पर उत्पादन होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था, यदि पेड़ की लकड़ी से कोई फर्नीचर बना दिया जाए या कागज बना दिया जाए, तो उसके रूप में परिवर्तन हो गया और उसकी विनिमय शक्ति में वृद्धि हो गई, तो वहां पर उत्पादन हो गया। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट आता है स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जहां पर वस्तु की मात्रा अधिक होती है, वहां पर वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, तो वस्तु को यदि स्थान परिवर्तन करा दिया जाए, अर्थात जहां पर उस वस्तु की मात्रा कम है वहां पर उसको हस्तांतरण कर दिया जाए, तो उस वस्तु का महत्व बढ़ जाएगा, अर्थात उत्पादन हो जाएगा। तीसरा, समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। किसी वस्तु के उत्पादन में समय महत्व रखता है। यदि किसी वस्तु का समय परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें भी उत्पादन हो जाता है। चौथा हमारा पॉइंट है अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अधिकार से तात्पर्य यहां पर स्वामित्व से होता है। तो यदि किसी वस्तु के स्वामित्व में हस्तांतरण कर दिया जाए, मालिकाना हक में हस्तांतरण कर दिया जाए, तो वस्तु के विनिमय शक्ति में, आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर एक औषधि का विक्रेता औषधि की कीमत नहीं जानता, लेकिन वही वस्तु, वही औषधि यदि एक रोगी को प्राप्त हो जाए तो वह उसके लिए अनिवार्य होगी, आवश्यक होगी, महत्व रखती होगी। अगला है हमारा सेवा द्वारा उत्पादन, ज्ञान द्वारा उत्पादन, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक आता है उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्व। उत्पादन को प्रभावित करने वाले तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक तत्व और एक बाह्य तत्व। आंतरिक तत्व उत्पादन के साधनों का कुशल है। यदि किसी वस्तु के निर्माण में जो साधन प्रयोग किए जा रहे हैं, यदि वो कुशल हैं, तो उत्पादन अच्छा होगा। और यदि उत्पादन के जो साधन हैं, वो अकुशल हैं, तो वहां पर उत्पादन खराब होगा। उत्पादन हेतु उचित योजना का निर्माण। जब किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो उससे पहले हमारे उत्पादन के विभिन्न साधनों को एक उचित उनमें निश्चित अनुपात का निर्माण किया जाता है। उनमें योजना बनाई जाती है कि किस साधन को किस अनुपात में मिश्रित करना है। अगला हमारा पॉइंट आता है साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित करना। साधनों को एक निश्चित अनुपात में योग लगाना और उनसे अच्छे से अच्छी वस्तु प्राप्त करना और कम लागत पर प्राप्त करना, यह हमारा उत्पादन को प्रभावित करता है। अगला हमारा पॉइंट आता है बाह्य तत्व। बाह्य तत्व कौन से होते हैं? प्राकृतिक दशाओं का अनुकूल होना। यह क्या होता है? यदि किसी देश में प्राकृतिक दशाएं अनुकूल है, अर्थात वहां पर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, तो वहां पर उत्पादन अच्छा होगा।
इसके विपरीत यदि किसी देश में भूकंप बाढ़ इत्यादि ज्यादा आती हैं तो वहां पर उत्पादन खराब होगा। दूसरा, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। यदि किसी देश में किसी व्यापार में पूंजी की मात्रा पूर्णतः यानी कि पर्याप्त है तो वहां पर उत्पादन बहुत कुशल होगा, और यदि पूंजी की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो वहां पर उत्पादन अकुशल होगा। नेक्स्ट, मानवीय संसाधनों की उपलब्धता। यदि मानवीय संसाधन कुशल रूप में प्राप्त हो रहे हैं तो वहां पर उत्पादन अच्छा होगा। यदि मानवीय संसाधन वहां पर अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वहां पर उत्पादन खराब होगा। अब हम बात करते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं तो आप याद रखेंगे उत्पादन के पांच प्रकार के साधन होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, चौथा तीसरा पूंजी, चौथा संगठन, पांचवा साहस। अब इनके बारे में जानते हैं। भूमि, सामान्य तौर पर भूमि की बाहरी परत को भूमि जाना जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत भूमि के अंतर्गत हम भूमि की बाहरी परत को, पहाड़ों को, झरनों को, नदियों को आदि सभी को भूमि में सम्मिलित करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है श्रम। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मानवीय संसाधन का प्रयोग करता है तो उसे हम श्रम के अंतर्गत लेते हैं। मानवीय संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक श्रम और एक मानसिक श्रम। तीसरा हमारा इसमें आता है पूंजी। पूंजी, किसी भी वस्तु का निर्माण करने से यदि आपके धन में वृद्धि होती है तो उसे पूंजी के अंतर्गत लिया जाता है। तीसरा हमारा चौथा हमारा पॉइंट आता है संगठन। किसी भी वस्तु का निर्माण करने से पूर्व उसके सभी क्रियाओं को एक साथ मिला लिया जाता है, अर्थात इन सभी उत्पादन के सभी तीनों संगठनों को किस अनुपात में मिलाना है यह हमारे संगठन के अंतर्गत आता है। चौथा हमारा पॉइंट, पांचवा हमारा पॉइंट है साहस। इन तीनों कार्यों में करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है यानी कि धन की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वह वस्तु बाजार में विक्रित होगी या नहीं होगी यह उसे वर्तमान में नहीं पता होता है। यह बिक्री का जो आधार होता है यह भविष्य पर आधारित होता है, और जो व्यक्ति जब वस्तु का निर्माण करता है और भविष्य को आधार मानकर इन सभी साधनों का एक साथ प्रयोग कर लेता है तो उस व्यक्ति को साहसी कहते हैं, अर्थात वह व्यक्ति इतना साहस रखता है कि लाभ के स्थान पर यदि हानि हो जाए तो वह उसको सह सके। धन्यवाद।